हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं हैं पुणे में एसके रेस्टोरेंट एंड बार में। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि बार और रेस्टोरेंट के बिजनेस के ऊपर जानकारी चाहिए, तो दोस्तों इसके ऊपर आज हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं मिस्टर प्रवीण कर्डिले सर के साथ। तो सर हमारे व्यूअर्स को थोड़ी जानकारी दीजिए कि कैसे ये बार और रेस्टोरेंट का ये बिजनेस होता है, लाइसेंसेस वगैरह क्या क्या लगते हैं कैसे। और दोस्तों सर ने मतलब यहाँ पे पहले एक साधारण होटल हुआ करता था, जो साधारण नॉर्मल रेस्टोरेंट जो खाली फूड सर्विंग था। बाद में इसको 2019 में परमिट यानी परमिट रूम बार में कन्वर्ट किया गया FL3 में। अच्छा। जो बाद में ये परमिट रूम बार बना। और ये सब आपने सब किया पूरा इसका? हाँ, ये प्रोसेस पूरा कर लिया है, यहाँ पे कन्वर्ट इसका लाइसेंस बना दिया, नया लाइसेंस इश्यू हो गया। अच्छा। तो ये फिर से स्टार्ट हो गया, बाद में 2 साल लॉकडाउन वो चक्कर, अभी 3 साल इसको कंप्लीट हो रहे हैं। परमिट रूम बार में बेसिकली आपको थोड़ा होटल का एक्सपीरियंस चाहिए, स्मूथली करना है, क्योंकि आपको खाली लिकर बेच के ही सब कुछ मिलेगा ऐसा नहीं होता है। आपको सर्विस वहाँ पे कस्टमर से बात करने का तरीका, थोड़ा अपना फूड क्वालिटी, ये चीज़ों पे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप इसको स्मूथली और अच्छे से रन कर सकते हो। सर अभी ये परमिट रूम बार और रेस्टोरेंट बोला तो मतलब सबसे पहले लोगों को दिमाग में लाइसेंस के बारे में लोग सोचते हैं, तो सर इसके लिए कौन से लाइसेंस लगते हैं? नॉर्मली आप पहले तो अपने को जब जिस टाइम हम अप्लाई करते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट में लाइसेंस के लिए FL3, इसको FL3 लाइसेंस होता है, तो उसमें हमें शॉप एक्ट तो चाहिए, फूड लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए, ये बेसिक हमें नॉर्मल रेस्टोरेंट के लिए भी लगता ही है। अदर NOCs रहती है। अच्छा। तो जैसे सोसाइटी NOC लेना पड़ता है, उसके बाद यानी कि अपना जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन रहेगा। अच्छा। उसका NOC लगता है, ट्रैफिक NOC लगता है। अच्छा। और बाद में एक्साइज आपको लाइसेंस इश्यू करता है। अच्छा। तब तक ये सब NOC अपने को कंप्लीट करना पड़ता है, वो गवर्नमेंट लेवल पे ही वो भी अप्लाई करते हैं, यानी कि एक्साइज में हम फाइल सबमिट करें वो भी लेटर भेजते हैं कि ऐसा ऐसा एप्लीकेशन हमारे पास आया हुआ है, इस एरिया का आप सर्वे या फिर जो कुछ भी कंप्लाइंस से कंप्लाइंस करिए और NOC भेजिए। अच्छा। हाँ, तो वो NOC जाने के बाद अपने को परमिट रूम बार मिलता है। मतलब पहले उनको जगह वगैरह दिखानी? सब उनका 2 से 3 बार विजिट होता है एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से। वो देखते हैं नियर अबाउट 100 मीटर्स में कोई धार्मिक स्थल ना हो। अच्छा। कोई टेम्पल ना हो, मदरसा ना हो, ये सब चीज़ें वो देखा करते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन ना हो, जैसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह नियर अबाउट, और फिर बाद में वो उसको एज अ कंसिडर करते कि ठीक है यहाँ पे हो सकता है अभी। अच्छा। तो वो फाइल सबमिट होता है। तो मेन अगर कोई बार शुरू करना चाहता है तो वहाँ पे आसपास 100 मीटर में मंदिर स्कूल वगैरह? यस, नहीं होना चाहिए। अच्छा। नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप दे कांट इशू, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट नॉर्म है, तो उसको आप स्किप नहीं कर सकते। हाँ, अगर पुराना किसी का है ऑलरेडी, उसके बाद कुछ मंदिर विंदिर बनता है वो अलग चीज़। जैसा आपने कहा सोसाइटी NOC, अभी ये बिल्डिंग रेसिडेंशियल है शायद? हाँ, अपना ऊपर रेसिडेंशियल है, नीचे का कमर्शियल है, तो जो सोसाइटी है उनको भी पूछा जाता है। उनको भी पूछना? हाँ, राइट, वहाँ से भी पुलिस पूछती है कि यहाँ पे ऐसा एप्लीकेशन नीचे रिसीव्ड हुआ है। अच्छा। तो आपको वहाँ पे कोई तकलीफ है, कोई इश्यूज है? अच्छा। तो आप अभी एक्सकलेक्ट करें, बाद में लाइसेंस इशू होने के बाद आप उसमें कुछ हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। सर फिर भी जैसा आपने कहा 2019 में आपको मतलब ये परमिट मिला, तो लगभग इसमें कितना वक्त गया और इसको लगभग कितना खर्चा है आपको? डिपेंड्स, यानी कि हर किसी का अपने अपने हिसाब से है। अच्छा। जैसे आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, एक्सपेंसेस करना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छा इंटीरियर बना के, बहुत अच्छा कुछ सिंप्लिसिटी रख के बहुत अच्छा बना भी सकते हो खर्चा करके। आपको जैसा चाहिए, जैसे आपको मिनिमम 500 स्क्वायर फुट का जगह लगता है। अच्छा। जो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो जो कमर्शियल होना चाहिए होटल के लिए होना चाहिए, तो उसमें आप टेबल कुर्सी रख के आपको चालू करना है कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे बार काउंटर बनाया हुआ, ये भी कंपल्शन नहीं है कि आपको डिस्प्ले काउंटर बनाना ही है। अच्छा। हाँ, आपको लग रहा है आपने बनाया, नहीं लग रहा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बेच सकते हो ऐसा। पर हाँ। सर लाइसेंस का जो खर्चा है वो लगभग कितना? हर एरिया का अलग अलग है, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन से सिटी का, उस हिसाब से उनका लाइसेंस फी अलग अलग है। तो अभी जो पुणे का है तो वो 7,45,000 रुपीज़ फी है एक साल के लिए, वो प्रीपेड होती है, यानी कि हमें 1 अप्रैल से पहले फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके पहले पेड करना पड़ता है, और 2,500 रुपये एप्लीकेशन फी होता है। ऐसा 7,45,025 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है। ये है पुणे के लिए, राइट। तो ऐसा हर पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग चार्ट है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है।
62,200 से लेके स्टार्ट होता है। अच्छा। ग्रामीण में अलग है, फिर नगर पालिका क्षेत्र में थोड़ा पॉपुलेशन कम रहेगा तो वहाँ का फी अलग है। तो ये लगभग साढ़े सात लाख रुपये आपको अगर आपका परमिट रूम बारे तो आपको हर साल भरने हैं। हर साल प्रीपेड, यानी कि पहले ही भरना है। हाँ, तो ये 365 दिनों में से कितने दिन चला सकते हैं इसमें? ड्राई डे बहुत आता है। अच्छा। वो भी कंसिडर करना पड़ता है, जैसे अभी 26 जनवरी है, देन 14 अप्रैल है, अंबेडकर जयंती है, देन 1 मई है, एक कामगार दिन भी आता है, महाराष्ट्र दिन भी आता है सेकंड, फिर ऐसा 15 अगस्त है, गांधी जयंती है, इलेक्शन पीरियड आएगा तो वो अलग से आएगा। तो ये सब ड्राई डे में आप रेस्टोरेंट चला सकते हैं। अच्छा। यानी कि फूड बेच सकते हो। हाँ। लेकिन दारू बेचने के लिए आपको अलाउड नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि ड्राई डे है तो पूरा होटल ही बंद रखना, ऐसा भी नहीं होता। अभी सर आपने लाइसेंस के बारे में बताया, तो ये लाइसेंस जो होते हैं ये ट्रांसफर भी कर सकते हैं? ये आप ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसफर करने में यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपको 4 times फी पे करना पड़ता है। तो अगर मान के चलिए 7,45,000 फी है, हम नाम भी चेंज करें या फिर यहाँ से दूसरी जगह पे कहाँ पे शिफ्ट करें, तो 4 times फी उसका पे करना पड़ता है। अच्छा, 4 times फी, हाँ, उसका पे करना पड़ता है सरकार को। हाँ, यानी कि हम यहाँ से मान के चलिए हम रूरल में जा रहे हैं। अच्छा। रूरल में जा रहे हैं, वहाँ का फी कम है, लेकिन सरकार गवर्नमेंट जो है वो यहाँ का फी लेगा। अच्छा। और उधर ट्रांसफर देगा। अगर वहाँ से पुणे आ रहे हैं तो भी पुणे सिटी का, जहाँ का फी ज्यादा है वहाँ का फी एप्लीकेबल रहेगा। अच्छा। और वहाँ का फी पेड करके आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली ये वाइन शॉप उसमें वो जो है वो फिजिबल है। परमिट रूम बार में हमें इतना खर्चा एक्सपेंसेस नहीं रहता है, तो नौ हम कहाँ पे भी शिफ्ट हो रहे हो तो बाकी क्राइटेरिया तो सेम ही रहता है। जैसे 100 meters वाला आ गया, वहाँ पे कोई NOCs होना फिर से कम होना ही जरूरी है, तो उससे बेटर है कि सब कंप्लायंस कर रहे हो तो आप वहाँ पे नया ही ले लो। नहीं, कि वन एक की सिंगल फी में हो जाएगा, बाकी खर्चा इतना तो है नहीं ऊपर, खाली वाइन शॉप में नहीं मिलता वो, इसलिए ट्रांसफर और वो सब चीज़ें होता है। वाइन शॉप अभी बंद हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो लाइसेंस नहीं मिलता, तो इसलिए लोग उसको ट्रांसफर ही करना, यही एक ऑप्शन है। उसमें किसी को मिल रहा है तो वो ट्रांसफर करके लेता है, तो उनको वही एक ऑप्शन है इसलिए इसमें। लेकिन परमिट रूम बार में आपको नया लाइसेंस अभी भी इजीली मिल रहा है, आप अप्लाई कीजिए, सब सही रहेगा तो आपका लाइसेंस 100% मिलेगा। और कोई जैसे हमारे व्यूवर्स में से कोई ये शुरू करना चाहता है, हाँ, तो अभी ये 7,50,000 रुपये तो खाली फीस का खर्चा हो गया, पर अभी आपका इतना एक्सपीरियंस है, कितना बजट होना चाहिए उसका? अगर आपको नया करना है, कम से कम हाथ में रिनोवेशन का मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन सब चीज़ें कंप्लायंसेस करके ये NOC जो इकट्ठा करना पड़ता है, कॉरपोरेशन का NOC लगता है, आपको इनकम टैक्स का भी कोई पेनल्टीज नहीं आपके ऊपर होना चाहिए, आपके ऊपर कोई एकदम क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए, ये सब NOC इकट्ठा कर करके तो कम से कम आपके हाथ में 20 lakh तो मिनिमम होना चाहिए। ये नहीं पुना यहाँ का जो, हाँ, 7,45,000 के हिसाब से जो ये है क्राइटेरिया है तो वो खर्चा ज़्यादा है। अब हम रूरल पार्ट में जाते हैं, कम पॉपुलेशन के हिसाब से जाते हैं, तो वहाँ पे खर्चा कम आ गया। हाँ, तो मतलब कम से कम 20 lakh के ऊपर ही इन्वेस्ट पुणे में, राइट। तो ये आपने किचन ये सब छोड़ा हुआ है? ये अच्छा। नहीं, किचन इक्विपमेंट्स बाकी कुछ नहीं, खाली ये आपको लाइसेंसिंग में ही पैसा लग सकता है। अच्छा, ये इतना खाली ये सभी NOCs और लाइसेंस में ही जा जाता है? हाँ, हर किसी का यहाँ का फी है, फायर NOC लेते हो 30,000 लगता है, तो ये सब NOC इकट्ठा करते करते सब टाइम सब चीज़ें ये होता है, तो ऑलमोस्ट एक्सपेंसेस उतना आता है। तो लगभग 20 lakh सिर्फ लाइसेंस में ही चला जाएगा लगभग? हाँ, खर्चा उतना होता ही है। और बाकी जैसे टेबल कुर्सी किचन और जैसे वो आपके हिसाब से, फिर आपका स्ट्रक्चर कितना है, यानी कि एकदम रॉ है, कुछ नहीं है यहाँ पे, मान के लो पूरा खुला है कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से पूरा NOC हो गया, अभी टेबल कुर्सी सब लगवाना है, तो आप 35 lakh तो पकड़ लीजिए कि आपको उतना पूरा सेटअप में खर्चा आएगा। और सर फिर भी रेस्टोरेंट बार चलाने के लिए कितने लोग लगते हैं? वो भी डिपेंड्स, आपका नंबर ऑफ़ टेबल्स कितना आता है। नॉर्मली पुणे में आप देखेंगे तो सब रेस्टोरेंट्स 20 नंबर ऑफ 20-25 टेबल्स के ऊपर ही है, हर किसी के पास कम से कम 17-18-20-25 कई कई जहाँ 50-50 लोगों का भी स्टाफ है, यानी कि ऐसा है कम से कम आप 15-16 लोग तो पकड़ लीजिएगा आपको लगता ही है नॉर्मल पुणे में, जहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स चल रहे बार चल रहे। अच्छा। उनमें उतना स्टाफ तो लगता ही है। 15-16 मतलब किचन और हेल्पर, टेबल हेल्पर होता है, किचन लाइन मैनेजर होता है, मैनेजर होता है, कैशियर होता है, तो ये सब जो पकड़ते हैं। एकदम डिटेल में बोला जाए तो एक वेटर 4 से 5 टेबल के ऊपर सर्विस नहीं कर पाता, जो उसका रेडियंस है वो कवर कर पाता है, बाद में सर्विस डिले हो जाएगी, कस्टमर नाराज़ हो जाएगा, तो वो हिसाब से आप अपना 4 से 5 टेबल के पीछे एक वेटर रख के कितना टेबल है उस हिसाब से स्टाफ सर्विस में रख सकते हो। अगर कोई शुरू करना चाहता है रेस्टोरेंट बार, तो किस टाइप का लोकेशन देखना चाहिए?
क्राउड ही चाहिए सबसे पहले, जहाँ पे आप काम यानी कि ओपन करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे पहले एक चीज़ पे ध्यान रखो कि वो रोड पे फुटफॉल बहुत अच्छा होना चाहिए, वो रोड हर टाइम बहता चाहिए, ये सबसे लिए अच्छा। सेकंड थिंग कि ऐसा लोकेशन देखो कि जहाँ पे वर्किंग एरिया ज़्यादा हो, बराबर, जहाँ पे कंपनीज ज़्यादा हो, मॉल्स ज़्यादा हो, ऐसा जहाँ पे भी रहेगा, जहाँ पे वहाँ पे आप इजीली पिकअप कर सकते हो। नॉर्मली जो ड्रिंकर्स है जो यही सोचते हैं कि ऑन द वे घर पे जा रहा हूँ, काम छूटा है, नज़दीक कौन सा है, वहाँ पे बैठे एक दो पैक हो जाए फिर निकल लो, ऐसा उस हिसाब से सोच के आप रेस्टोरेंट बार करते हो तो सक्सेस होने का रेशो 90% के ऊपर ही रहेगा। इसमें इतना खर्चा होता है साल में 7-8 लाख रुपए, तो आपके हिसाब से सर कितने तक रेंट? एक तो इसमें तो गवर्नमेंट की तरफ से तो यू कांट रेंट आउट नहीं कर सकते, अच्छा। रेंट पे नहीं दे सकते हो आप, अच्छा। तो आप लाइसेंस, जो लाइसेंस होल्डर है वो मैनेजर रख के वो काम कर सकते हैं, अच्छा। वो ऑपरेशंस वहाँ पे संभलता है, जैसे मैं यहाँ पे संभल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था सर कि जैसे मान के चलो दुकान का मालिक अलग है और मैं चालू कर रहा हूँ, हाँ, तो मैं मालिक आप से नहीं, रेंट से नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। आप एज अ ऑपरेशन वहाँ पे, अच्छा, आ सकते हो, अच्छा, या फिर उनका फूड का किचन चला सकते हो। तो सर अभी ऐसे केस में जैसे मान के चलो मालिक को इंटरेस्ट नहीं है इस बिजनेस में, हाँ, 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 कोई मालिक है वो चाहता है कि उधर चाहे कुछ भी बिजनेस हो जाए, बाहर हो जाए, पर वो फिर मैनेजर रख सकता है ना। अच्छा, तो फिर मैं मैनेजर एज अ मैनेजर यहाँ पे आके आप वो चला सकते हो जो कि उनको हिसाब देना है। तो ये लाइसेंस जो इशू होगा वो मालिक के नाम पे हो जाएगा सब कुछ? हाँ, सब कुछ उनके, आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट से ले ली है, मान के चलिए कोई एक्स वाई जेड होटल है, आपने ले लिया है, अच्छा, रेंट पे है, आपने खुद वहाँ पे आपके नाम से भी आप लीज पे रहते हुए वहाँ पे परमिट रूम बार बना सकते हो, अच्छा, हाँ, ना बना यानी कि उसमें कोई इशू नहीं, सरकार देता है, अच्छा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट उसको देंगे, लेकिन वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, आप इतना खर्चा कर लेंगे, एक तो रेंटेड प्रॉपर्टी है, खुद का प्रॉपर्टी है नहीं, तो वहाँ पे इनकेस कुछ कॉम्प्लिकेशन 2-3 साल में हो गए, अच्छा, मालिक और ओनर जो है और आपके साथ, उन्होंने आपको डायरेक्टली छोड़ने के लिए कह दिया, कोई नोटिस पीरियड दे दी, अच्छा, तो आपका लाइसेंस तो विड्रॉल हो गया, वो ट्रांसफ़र करते हो तो 4 times भी आपको परवड़ेगा नहीं, जहाँ पे भी नया जाओगे वहाँ पे नया करोगे, अच्छा, सही, वही बेटर रहेगा, बराबर, 4 times फी भर के कहाँ पे जाएगा, ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं, तो उसको कैसे टैकल करें, तो बेटर ऑप्शन है कि ओनर जो है प्रॉपर्टी ओनर उनके नाम से ही लाइसेंस ले लो, अच्छा, आप ऑपरेशन में आ जाइए, आप वहाँ पे काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो भी है वो बेनिफिट चलता रहता है, अच्छे से चलता रहता है, हाँ, क्योंकि ये सिंपल है, आपने रेंट से ले लिया और मालिक ओनर ने बोल दिया तुम 2 साल में खाली कर लो, तो इतना 20-25 लाख खर्चा करने के बाद हाथ में क्या मिलेगा, 2 साल में तो कुछ नहीं मिल सकता, ये तो खर्चा ही खर्चा है, खर्चा ही खर्चा, हाँ, तो बेटर ऑप्शन है कि आपका खुद का प्रॉपर्टी हो तो खुद लाइसेंस ले लो, अगर नहीं है तो आप जिसका प्रॉपर्टी है उसके नाम से लाइसेंस ले लो और आप वहाँ पे ऑपरेशन में आ जाओ। जैसे हम मान के चलते हैं हम रेंट पे ले रहे हैं, जैसे मान के चलते हैं जस्ट नॉलेज के लिए, तो ये कितने तक जैसे भाड़ा चल सकता है इसमें? टेंटेटिवली जो रेस्टोरेंट का स्क्वायर फीट है 100 से 120 रुपीज के आसपास स्क्वायर फीट का यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आपको लॉयल्टी है, अच्छा, यानी कि अगर ये 2000 स्क्वायर फीट रहेगा तो 2 से 2.5 लाख तक का भाड़ा यानी कि लॉयल्टी एज ओनर डिमांड कर सकते हैं, अच्छा, हाँ, मतलब लगभग 500 स्क्वायर फीट है तो लगभग 60,000 रुपये कम से कम 500 का, हाँ, या फिर 1,000 स्क्वायर फीट है तो 1,20,000, राइट राइट, इस हिसाब से वो हो सकता है, लोकेशन के हिसाब से थोड़ा अप एंड डाउन होता है, जैसे हम कोरेगांव पार्क बानेर चले जाएंगे तो बहुत हैवी वहाँ पे ये है। ये तो सिर्फ रेंट का हो गया, फिर बाकी खर्चे जो वो ऑपरेशन कॉस्ट अलग रहती है, स्टाफ की सैलरी अलग से आएगी, गवर्नमेंट का जो फी है 7,40,000 वो अलग से आएगा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अलग से आएगी, वाटर बिल अलग से आएगा, सोसाइटी रहेगा, सोसाइटी का मेंटेनेंस अलग से आएगा। टेंटेटिवली आप पकड़ के चलिए आपके पास 2000 स्क्वायर फीट का रेस्टोरेंट है तो आपको कुल मिला के 4 लाख तक का खर्चा फिक्स है ही, अच्छा, मंथ का, अगर 2 इंक्लूडिंग गवर्नमेंट का लाइसेंस फी, लॉयल्टी और ये, अच्छा, 2000 स्क्वायर फीट का, और 1000 स्क्वायर फीट पकड़ के चलते थोड़ा सा कम पकड़ तो नॉर्मली कम आएगा, एक हद लग बच सकते हैं, हाँ, क्योंकि आप नंबर ऑफ टेबल्स भी आपके पास कम आएंगे, नंबर ऑफ वॉल्यूम भी कम आएगा, नंबर ऑफ सेल भी कम आएगा, सेल भी कम, हाँ, सब चीज़ें कम कम होगी तो उस हिसाब से थोड़ा कम ही आएगा, लेकिन हाँ 3-1 लाख तो खर्चा पकड़ के चलिए। तो सर अगर मान के चलते हैं 3.5 लाख रुपए खर्चा है किसी रेस्टोरेंट एंड बार का, तो वो निकलने के लिए कितना धंधा होना चाहिए?
वॉल्यूम बिजनेस तो आपके ऊपर है, आप कितना, आपको लिमिटेशंस है नहीं कि आप कहाँ तक सेल खींच सकते हो, बेटर खींच लीजिए, यानी कि 50,000-60,000 रखिए मिनिमम, तब जाके आपको फिजिबिलिटी रहेगी, काम करने में इंटरेस्ट आएगा रोज का। हाँ, 1,000 square feet में तो आपको 40 के नीचे आने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आप अच्छा। थोड़ा स्ट्रगल फील करेंगे कि खर्चे निकल रहे लेकिन बच नहीं रहा। हाँ, तो 2,000 रहेगा स्क्वायर फीट, तो मिनिमम 60,000 आपको एवरेज आउट आना चाहिए, तब जाके आप बोलेंगे हाँ कुछ तो फिजिबिलिटी है, बच रहा है, कुछ अच्छे से कर रहा है। फिर भी सर MRP के ऊपर कितना, 50% 60% रखना चाहिए कम से कम? मिनिमम 50% अब तो रखना ही चाहिए, मान के चलिए कोई 150 MRP पे है, आप 250 के ऊपर ही रखिए, 260 उसके ऊपर ही रखिए, मिनिमम 250 में भी आप बहुत कट टू कट चल रहे हो। अच्छा, क्योंकि उसके ऊपर आपको 5% भी VAT पे करना पड़ता है, वो भी काउंट कर लीजिए 10-12 रुपये हो जाता है, तो ये सब चीज़ देखते देखते आपको वो एक्सपेंसेस भी देखनी चाहिए, नहीं तो हम कंपटीशन के चक्कर में रेट का कम करते रहे धंधा बिजनेस बढ़ने के लिए, तो रोटेशन दिखेगा लेकिन बचेगा कुछ नहीं। सर अभी आपने कहा कि ओरिजिनल है, तो क्या इसमें डुप्लीकेट है ना? कितना न्यूज़पेपर आप भी पढ़े रहेंगे तो होता ही रहता है, अभी ये है ही। अच्छा, हाँ होता है डुप्लीकेशंस कोई करते हैं। और सर इसमें जो ड्रिंक्स का वगैरह जो रेट रहता है, जैसे अभी वाइन शॉप जो होता है उनका रेट, मतलब सेम मार्जिन आता है, स्कीम्स अलग रहती है उनका। अच्छा। स्कीम अलग रहता है, परमिट रूम बार का स्कीम अलग रहता है, मतलब मार्जिन सेम है। अच्छा, मतलब परमिट रूम 8%। अच्छा, मार्जिन 8% मिलता है MRP पे। मार्जिन सेम से, लेकिन स्कीम बहुत मैटर करती है, वो आज वाइन शॉप का उनका बल्क सेल है। अच्छा। इसके वजह से उनको स्कीम बहुत अच्छे खासे मिलती है। अच्छा। उसमें नो डाउट, यानी कि बहुत अच्छा खासा पैसा उनको वहाँ से मिलता है स्कीम से, हमें भी आता है। अच्छा। लेकिन एज वो वॉल्यूम पे नहीं आता, इसलिए हमें रेट हाई करके वो चलाना पड़ता है, क्योंकि इतना सारा मेंटेन भी करना है। सही। स्टाफ है, अभी वाइन शॉप में आप जाओगे तो कितना स्टाफ मिलेगा? 4-5-6 लोग मैक्सिमम, बड़ा वाइन शॉप रहेगा तो 6 लोग रहेंगे, इसके ऊपर तो कोई नहीं रहेगा। लेकिन हमें हर टाइम 15-16 लोग लेके चलना पड़ता है, वॉल्यूम आए ना आए, लेकिन वो चलना पड़ता है। ड्राई डे आ रहे फिर भी लेके चलना पड़ता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा ही होते हैं, तो वो हिसाब से हमें मार्जिन हर टाइम हायर रखना पड़ता है। और एक पेटी मतलब कितना क्वांटिटी रहता है? अब मान के चलिए एक नीप जो आता है, यानी कि क्वार्टर 180 ml का, उसमें 48 पीस आता है एक बॉक्स में। अच्छा। हर कंपनी का साइज फिक्स है, आप कौन सा भी ले लो उसमें 48 आएगा। 48. उसमें हाफ लेते हो तो 24 आएगा, यानी जो 375 ml का आता है वो 24 का आएगा। हम 1 liter में, यानी कि 750 एक क्वार्ट में चले जाते हैं तो वो 12 ही आएगा। 12? हाँ, 12, 24, 48। और सर ये बोतल सब कांच में क्यों आते हैं, ये प्लास्टिक में क्यों नहीं आते? कांच का बोतल है तो इसमें क्वालिटी अच्छा मेंटेन रहता है, लाइफ लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा अच्छी मिलती है। बाकी इसमें आप टिन में जाइए, प्लास्टिक में जाइए, उसमें प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, उसका वॉल्यूम बहुत जल्दी उसको ख़त्म करना पड़ता है। इसमें क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उसमें वो कांच में ही फिलिंग किया जाता है, बियर भी इसलिए कांच में फिलिंग किया जाता है। और सर एक आखिरी सवाल हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, कि इसमें जैसे मान के चलो 50,000-60,000 का धंधा होता है, एवरेज धंधा पकड़ते हैं, तो कितना पैसा बच सकता है उसको? 10% पकड़ लीजिए, आपका नेट प्रॉफिट हो सकता है 50,000 हम पकड़ के चलते हैं। अच्छा। तो 5,000 आपको मिल सकता है नेट प्रॉफिट में, नेट में बोल रहा हूँ मैं, जो आपको बचेगा। तो मंथ एंड की बात करेंगे तो आपको 1.5 लाख बच सकता है। आप किस हिसाब से उसको मूव करते हो, आप बिजनेस को किस हिसाब से देखते हो, कौन सा ब्रांड पुश कर रहे हो, या फिर कौन सा ब्रांड आपके यहाँ पे अच्छा चलता है, तो आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है। अगर प्रीमियम ब्रांड चलते हैं तो उसमें मार्जिन ज़्यादा मिलता है, 8% का मार्जिन भी मिलता है, प्लस ऊपर का मार्जिन मिलता है, तो वहाँ पे वो ब्रांड चलते हैं तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी बट ऑफ कोर्स ज़्यादा निकलता है। नंबर ऑफ़ टेबल्स आपका रोटेशन अच्छा है और नंबर ऑफ़ टेबल्स की वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी कि एक बार में क्या होता है, एक टेबल लग गया तो टेंटेटिवली 45 मिनट्स वो टेबल आपका क्लियर नहीं होगा, यही कंसिडर करके आपको चलना पड़ता है। वो फिर ज़्यादा भी होता है, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तक भी चलता है कुछ टेबल्स। कुछ यहाँ पे मैंने ऐसे भी देखे कि 8-8, 9-9 घंटा भी आके बैठते हैं तो वही चलता रहता है उनका, वही बैठना है, वहाँ पे काम चालू रहता है, फोन पे बात चालू रहती है, वहाँ से ख़त्म करेंगे घर पे चले जाएंगे, मतलब ऐसा भी है। 8-8 हाँ होता है। नंबर ऑफ टेबल्स बार में बहुत कम रिपीट होता है, बहुत कम, यानी कि अभी हम ये फूड और रेस्टोरेंट्स में चले जाते हैं तो वहाँ पे कैसा तुरंत आधे पौन घंटे में टेबल क्लियर, आगे वाला टेबल, नंबर ऑफ रोटेशंस वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे नहीं, रोटेशंस दिन में एक टेबल का रोटेशंस 3 बार पकड़ के चलिए। अच्छा, एक टेबल 3 ही बार घूमेगा आपका, उसके ऊपर नहीं घूम पाएगा। वो हिसाब से आपको मार्जिन्स, आप वहाँ पे जो ब्रांड बेच रहे हो वहाँ पे जो मार्जिन्स मिल रहे हैं वो उसमें आप कमा लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अच्छे से मिलता है। मिलता है तो सर इसमें ऐसे केस में तो थोड़े से ज़्यादा टेबल होना भी ज़रूरी है। हाँ वही इसी में बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ टेबल्स के हिसाब से आपका सेल भी आएगा, उसी हिसाब से आपको सब कुछ आएगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको सब कुछ रिटर्न्स मिलेंगे। हाँ आपके पास ज़्यादा टेबल है उसी हिसाब से फिर मैन पावर भी बढ़ाना पड़ता है, खर्चा कम उसी में होगा नहीं होता, आपको फिर मैन पावर भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, फिर से खर्चे में भी वो पार्ट कंसिडर करना पड़ता है, इनकम भी आएगा तो खर्चा भी होएगा, तो वो भी है। लेकिन रोटेशंस इतने होता नहीं, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि नंबर एक ही टेबल है उसका वॉल्यूम ज़्यादा निकाले, यानी कि टारगेट करते हैं कि एक टेबल है उसका 1000 रुपये वॉल्यूम आना चाहिए, एक टेबल का 3000, आपके पास 20 टेबल है तो पकड़ लिए 60-70 हज़ार मिल गया। तो वो प्लानिंग माइक्रो लेवल पर रखना पड़ता है कि हाँ अगर एक टेबल एवरेज आउट हमारा एक टेबल है, एक आदमी बैठा है, दो आदमी बैठे हो तो 1000 रुपये का तो बिल होना चाहिए, इतना समझ के चलो फिर आप पुल करते हो। और लोग तो यहाँ पे क्रिकेट की मैच देखते हैं, हाँ IPL प्रो कबड्डी वो सब चीज़ें, फिर इंटरनेशनल मैच, फिर I20 ये सब, वो तो है तो बैठ गए तो बैठ गए, यानी कि आप वो एक सर्विस फैक्टर है, उससे बेनिफिट ही होता है। इससे ये ऐसा नहीं है कि वो टेबल ब्लॉक हो जाएगा, नहीं वो बेनिफिट देगा, क्योंकि क्या है उसको भी मजा आ रहा है, वो आपके पास आके बैठ रहा है, आपका कोई आपने टीवी नहीं लगाया तो कोई दूसरा कॉम्पिटिटर जो बार है वो टीवी लगाएगा, वो वहाँ पे कस्टमर पुल करेगा आपका। सही, तो आप वो सर्विस दो, आप वहाँ वो आपके यहाँ पे बैठे ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर ऑफ टेबल्स है आपके पास तो एक टेबल ब्लॉक हो गया तो आपको इतना भी टेंशन नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि वो रिपीट भी करेगा, मान के लो कोई बियर ले ली तो एक लेगा, दो लेगा, तीन लेगा, वो ऑटोमेटिकली 1000 के आसपास चला ही जाता है, तो होगा। यानी कि मैच चल रही है तो खाली बैठा नहीं रहेगा, वो ड्रिंक भी करता रहेगा, फूड भी आता रहेगा, आपका स्टार्टर भी जाता रहेगा। बराबर, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को इतना डिटेल में बताने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।